और दोस्तों कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में Redmi 9 Active के फीचर्स हम देखने वाले हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स कहिए या फिर फीचर्स कहिए। ढेर सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स, ऑब्वियसली MIUI वर्शन है तो इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स ज़रूर मिलेंगे। तो इन फीचर्स को आप यूटिलाइज़ करके अपना मोबाइल अच्छा भी बना सकते हैं और अच्छी तरह से यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताऊंगा। तो ऐसे ढेर सारे रिलेटेड मैं अपने चैनल पर वीडियोस बनाया हूं, तो ज़रूर मेरे चैनल को देखिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें, वैसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला सेटिंग जो है वो होम स्क्रीन सेटिंग्स का हम देखेंगे। तो इसके लिए आपको ऐसे स्वाइप करना है एंड यहाँ से सेटिंग्स मिलेगा, तो ये जो है वो होम स्क्रीन सेटिंग्स को लेकर जाएगा। तो यहाँ से आपको मोर पर टैप करना है, -1 screen। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऐप वॉल्ट फीचर है, नन है, गूगल डिस्कवर है, तीनों क्या करते हैं फटाफट देखते हैं। अगर मैं नन पर टैप करता हूँ तो आपको होम स्क्रीन पर सिर्फ जो है वो ऐप्स मिलेगा, मतलब कि ऐसे स्वाइप लेफ्ट करने से देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, चेंज करके इसको, कहाँ चला गया मैं, वॉलपेपर्स नहीं, सेटिंग्स। तो सेटिंग्स पर मोर है, मोर पर जाके -1 screen गूगल डिस्कवर लगाएंगे अभी। तो डिस्कवर लगाता हूँ तो देखिए स्वाइप ऐसे करता हूँ तो क्या आ गया यहाँ पर, लैंग्वेज बता रहा है कि कौन से लैंग्वेज में आप न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं। तो आप लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज है सेट कर सकते हैं। यहाँ से जल्दी से क्लाइमेट जो है वो भी दिखाई देगा एंड गूगल सर्च, यहाँ से ही आप झट से इंफॉर्मेशन को पा सकते हैं। वैसे डिटेल्ड न्यूज़ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ है, इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, वो सारा चीज़ यहाँ पर आपको गूगल से मिल जाएगा। तो ये था गूगल डिस्कवर एंड वैसे ही स्वाइप राइट करेंगे तो होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। वैसे ही स्वाइप करके फिर से हम -1 को जाके शाओमी का जो है ऐप वॉल्ट जाएंगे। इसमें भी ढेर सारे इंटरेस्टिंग यूज़फुल फीचर्स मिलेगा, जैसे कि देखिए अभी आना स्टार्ट हो जाएगा मी का, पहली बार ऐप लोड होगा, नेक्स्ट टाइम ऐसे लेंगे तो झट से आ जाएगा। यहाँ से आपको क्लीनर मिलेगा, कैश मेमोरी क्लियर करने के लिए मिलेगा, ऑप्टिमाइजेशन है, सेटिंग्स क्विकली जा सकते हैं, गैलरी, यूट्यूब, ऐसे रिकमेंडेड ऐप्स है, पॉपुलर वीडियोस जो है यहाँ पर दिखाई देगा। वैसे ही क्रिकेट न्यूज़ है, स्टेप्स काउंटर है, यूटिलिटीज़ है, कैलकुलेटर भी आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं इस चीज़ को। वैसे ही यहाँ से सिर्फ न्यूज़ को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, होम भी है एंड इस चीज़ का जो है आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं यहाँ सेटिंग्स में जल्दी से। तो शॉर्टकट्स चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर टैप कीजिएगा, कौन सा आप शॉर्टकट्स चाहते हैं जल्दी से ऑपरेट करने के लिए वो आप यहाँ डाल सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें ऐप्स को हटा दिया और यहाँ से मैं साइंटिफिक कैलकुलेट को डाल दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ अभी, नेक्स्ट टाइम जो है बैक लेने के बाद जैसे आप मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं तो लेफ़्ट लेके ऐसे यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑन हो चुका है। तो ऐसे आप झट से कुछ भी करना चाहते हैं तो यहाँ से शॉर्टकट मेनू आप पा सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है, अगर ये सारा चीज़ नहीं चाहते हैं तो सेटिंग्स पर जाना है, मोर पर जाना है, -1 screen, यहाँ से नन पर टैप कर सकते हैं या फिर गूगल का रख सकते हैं, अपना चॉइस है। तो आपको कौन सा अच्छा लगेगा वो वाला आप रख दीजिए। तो ये पहला सेटिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, आपको पता नहीं था तो हिट दैट लाइक बटन। एंड दूसरा सेटिंग्स पर जाएंगे जल्दी से, आइकॉन साइज, ये जो आइकॉन्स है आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा कैसे सकते हैं, तो वो अभी हम देखेंगे जल्दी से। तो सेटिंग्स पर जाएंगे, फिर से यहीं पर होम स्क्रीन सेटिंग्स पर जाएंगे हम। देखिए यहाँ पर भी है होम स्क्रीन, या फिर ऐसे पिंच करके सेटिंग्स पर जा सकते हैं। यहाँ से जो है मोर पर टैप करना है, आइकॉन साइज़, देखिए ये जो आइकॉन्स है होम स्क्रीन पर इसका साइज़ कितना चाहते हैं आप, तो इस चीज़ को ऐसे ज़रूर बढ़ा या घटा सकते हैं, मतलब छोटा या बड़ा कर सकते हैं ऐसा। फिर इसके बाद ये क्लासिक और ऐप ड्रॉअर कैसे बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैं स्वाइप अप करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ऑर्गेनाइज होके ऐप्स है, यहाँ से क्विकली मैं कौन सा ऐप चाहिए वो ऐप यहाँ से सर्च भी कर सकता हूँ। तो ये कहाँ से आया, बाय डिफ़ॉल्ट होम स्क्रीन पर सारा ऐप्स मिल जाएगा आपको, राइट। तो ये कहाँ से आया, इसके लिए मैं सेटिंग्स पर जाता हूँ ऐसा। तो सेटिंग्स में हम जाएंगे होम स्क्रीन सेटिंग्स, तो इसलिए होम स्क्रीन पर जाना है। तो होम स्क्रीन में जाकर आपको क्या करना है, क्लासिक, अगर आपके मोबाइल में क्लासिक है, सेपरेट ऐप ड्रॉअर जैसे मैंने रखा हुआ है वैसे चाहते हैं तो विथ ऐप ड्रॉअर करके रखिए। तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं, डार्क बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हैं, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं। देखिए डार्क बैकग्राउंड आ चुका है अभी, इस चीज़ का चेंज करना चाहते हैं तो आप ज़रूर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए फिर से हम होम स्क्रीन पर जाएंगे, ऐप ड्रॉअर में बैकग्राउंड जाके हम ट्रांसपेरेंसी इसको लाएंगे, थोड़ा 50% ट्रांसपेरेंसी एंड ऑटो रखेंगे तो दिन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से डार्क या लाइट चेंज होगा, अप्लाई कर देंगे तो देखिए अभी ट्रांसपेरेंट है, राइट। तो ऐप स्क्रीन जो है वो ट्रांसपेरेंट है, बैकग्राउंड वॉलपेपर भी दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के चेंज करके ज़रूर देखिए दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले सेटिंग्स की तरफ, नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में जाना है।
फॉर एग्जाम्पल ऐसे स्वाइप डाउन करता हूँ, ये जो पैनल है ये शॉर्टकट, ये नया नोटिफिकेशन सेंटर जो Xiaomi का है उसका चाहते हैं आप, तो आपको सेटिंग्स में चेंज करना पड़ेगा। तो फिर हम सेटिंग्स एंड यहाँ नोटिफिकेशंस में जाएंगे। सो यहाँ पर नोटिफिकेशन शेयर्ड पर टैप करना है। MIUI का है, एंड्रॉयड का है, आप एंड्रॉयड रख दीजिए। यहाँ से कंट्रोल सेंटर एंड स्टेटस बार मिलेगा, तो कंट्रोल सेंटर स्टेटस बार में जो है वो यूज़ न्यू कंट्रोल सेंटर करके यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। तो देखिए यहाँ से मैं स्वाइप डाउन करता हूँ तो नोटिफिकेशन दिखाई देगा, यहाँ से स्वाइप डाउन करता हूँ तो ये जो कंट्रोल सेंटर है, क्विक टॉगल्स है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये Xiaomi का न्यू है, लेकिन बहुत लोग वो पुराना स्टाइल पसंद करते तो वो यूज़ करते हैं, वो यूज़ करना चाहते हैं तो इसको ऑफ़ करना है, नया स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं तो न्यू कंट्रोल सेंटर के लिए इसको ऑन करना है। तो यहाँ से स्वाइप यहाँ से करता हूँ तो कंट्रोल सेंटर मिलेगा, यहाँ से करता हूँ तो नोटिफिकेशन मिलेगा। तो इस चीज़ को चेंज करने के लिए यहाँ से आपको करना है। वैसे ही यहाँ पर ढेर सारे नोटिफिकेशन के रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन कौन से ऐप्स का चाहते हैं एंड कौन से ऐप्स का नहीं, तो आप इंडिविजुअली कस्टमाइज़ करके रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेज़न का नोटिफिकेशन आप लॉक स्क्रीन पर नहीं देखना चाहते तो इस चीज़ को आप ऑफ़ कर दीजिए, तो वो बिल्कुल लॉक स्क्रीन पर आपको नोटिफिकेशन अमेज़न ऐप के रिलेटेड दिखाई नहीं देगा, तो एक बढ़िया है। वैसे ही कोई भी ऐप्स का लॉक स्क्रीन पर नहीं चाहते नोटिफिकेशन तो उसका ऑफ़ कर दीजिए। तो फॉर्मेट में भी जाकर आप इसको डोंट शो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन पर टैप कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कस्टमाइजेबल फीचर है। वैसे ही फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग टाइप का स्टाइल चाहते हैं नोटिफिकेशन ऐप्स का, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप का झट से यहाँ पर आ जाता है आपको मैसेज, तो वो वाला नहीं चाहते तो यहाँ से आप उसको ऑफ़ कर सकते हैं। तो अगला सेटिंग हम देखेंगे कैसे आप झट से कैमरा को लॉन्च कर सकते हैं लॉक स्क्रीन पर ही। तो उसके लिए आपको लॉक स्क्रीन पर जाना है एंड यहाँ से लॉन्च कैमरा करके है इसको ऑन कर दीजिए। तब क्या होगा, हम अगर लॉक स्क्रीन पर है तो जस्ट डबल प्रेस कीजिए वॉल्यूम डाउन बटन को, तो इंस्टेंटली कैमरा ओपन हो जाएगा। देखिए डबल प्रेस करता हूँ मैं लॉक स्क्रीन, तो कैमरा ऐप जो है वो ओपन हो चुका है। राइट गाइस, तो बहुत ही अच्छा सेटिंग है, क्विक सेटिंग है। जब भी आप कोई पिक्चर्स लेना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी पिक्चर लेना चाहते हैं, तो आप क्या करना है, डबल प्रेस करना है वॉल्यूम डाउन बटन को, तो इंस्टेंटली कैमरा ऐप ओपन हो चुका है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए। तो ये सेटिंग आपको पता नहीं था तो हिट दैट लाइक बटन, एक लाइक तो ज़रूर बनता है इस वीडियो को। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, और भी ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर फीचर्स के रिलेटेड वीडियोस बनाए हूँ, आप ज़रूर देखिए। कैमरा सेटिंग्स का भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं एंड मोबाइल फोटोग्राफी के रिलेटेड भी इस चैनल पर आपको ढेर सारे वीडियोस देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन। Bye-bye.